बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल फूड रॉक्स। सो आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क पनीर केक। तो मिल्क पनीर केक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैंने 3 लीटर के करीब दूध लिया है, 6 से 7 इलायची चाहिए, आधी प्याली के करीब देसी घी यानी कि असली घी, चीनी हसब ज़रूरत, बादाम जो है वो गार्निशिंग के लिए चाहिए, और 1 चम्मच के करीब सिरका चाहिए। सबसे पहले बर्तन में जो है वो 3 लीटर के करीब दूध डाल दिए और इसमें ये जो इलायची थी इसको डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर यानी लो फ्लेम के ऊपर आधा होने तक पकाएंगे। जब ये इसका आधा हो जाएगा तब तक इसको पकाएंगे। दूध जो है वह तकरीबन आधा हो चुका है। अब इसमें इसमें 1 चम्मच के करीब जो है वो विनेगर जो है उसको ऐड कर लेंगे और दूध को जो है वो कर्डल होने देंगे यानी कि फटने देंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता से फटेगा, एकदम से नहीं फट जाएगा। मिल्क पनीर केक बनाने के लिए जब इसमें हम 1 चम्मच जो है सिरका डाल देंगे तो फिर इसको पकाएंगे 5 से 10 मिनट के बाद। उसके बाद इस तरह से पनीर बनना अंदर शुरू हो जाएगा, दूध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फटना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो पनीर है वो बन रहा है। इसको हिलाते जाएंगे और पनीर जो है वो बनता जाएगा। 1 चम्मच जो है वो आपने, अगर 3 लीटर दूध लिया है तो 1 चम्मच भर के जो है आप इसमें सिरका डाल दें और इसको चलाते रहें। जब ये दूध आधा रह जाएगा तब आपने 1 चम्मच इसमें भर के सिरका डाल देना। ये देख सकते हैं आप कि आहिस्ता आहिस्ता से पनीर जो है बन गया। इसमें हमने दूध को सिर्फ उतनी हद तक फाड़ना है कि दूध जो है पानी नहीं छोड़े और आहिस्ता आहिस्ता से पनीर बने। अगर आप एकदम से इसमें सिरका या लीमू डाल देंगे कि जल्दी से बन जाएगा तो ये वो चीज़ नहीं बनेगी, वो पानी छोड़ देगा। आहिस्ता आहिस्ता से इसको हम पकाएंगे, इसमें से ये जो दूध है थोड़ा सा इसको खुश कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें चीनी डाल देंगे, मैं सारी चीनी नहीं डाली, थोड़ी सी बचा रही हूँ क्योंकि दूध भी थोड़ा मीठा ही होता है जब वो बिल्कुल पक जाता है। तो अगर इसके साथ ही इसमें ये देसी घी जो है वो डाल देंगे। इसमें से पानी जो है वो खुश्क हो गया, अब इसको 6 से 7 मिनट के लिए भूनते जाएंगे और मुसलसल जो है वो चमचा चलाते जाएंगे। Thank you.
मिल्क का पनीर केक जो है वो रेडी हो गया। अब इसमें हम एक कटे हुए बादाम जो है वो डाल देंगे। इसको 2 से 3 मिनट के भूनने के बाद ये बिल्कुल पक के तैयार हो गया। पानी आपने इसमें से अच्छे से खुश कर लेना, इसमें देखना कोई पानी नहीं रह गया, इसका ये कलर आ जाएगा। फ्लेम अप कर देते हैं ऑफ और इसको डिश आउट कर लेते हैं। मिल्क पनीर केक जो है वो रेडी हो गया। आपने इसको बनाने के लिए एक तो नॉनस्टिक पैन का यूज़ करना है, नहीं अगर आप नॉनस्टिक पैन यूज़ नहीं कर रहे तो किसी भी मोटे पैंदे वाला पैन यूज़ कर लें। और जब आपने दूध को मतलब पनीर बनाना है उसका, तो उसमें आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, पनीर जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता वो बनना शुरू होगा। और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल जो पनीर केक होता है उसकी तरह ये बन गया। जब ये ठंडा होगा तो इसको पीसेस में काट लेंगे। मिल्क पनीर केक जो है वो ठंडा हो गया, ये इसी तरह दानेदार बनेगा। अब इसको इसमें से निकालते हैं। मैंने बटर पेपर को जो है ग्रीस करके इसमें रख दिया था और इसको छुरी की मदद से जो है वो काट लेंगे। देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट और कितना परफेक्ट लुक आया है इसका, बिल्कुल हलवाई की तरह। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी मिल्क पनीर केक घर पर बनाएं और बच्चों को बना कर दें। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल फूड रॉक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल सके।